रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सुबान कुरैशी। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। साहिवाल जिले इंतजामिया का कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने वालों के गिर्द घेरा तंग। असिस्टेंट कमिश्नर मियां सरमद हुसैन का फ्रेंड थिएटर और मेरियन थिएटर पर छापा मार कर जारी शो बंद करवा दिया। पाकिस्तान पीपल पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध सेनेटर आदित धमरा जिला हैदराबाद के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एहसान अबड़ू PS66 सिटी हैदराबाद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नदीम जदोही की कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के हवाले से डोर टू डोर वर्क वार्ड 6 वार्ड सावद और वार्ड नंबर 5 में की गई। हैदराबाद पुलिस की जानिब से दौरान कवरेज सहाफियों पर बिलाजवाब तशद्दुद और सहाफियों के साथ आए रोज मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें होने पर हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया। खानेवाल में आला अफसरान CEO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी और नायब कासिद मलिक सईद चिट्टा रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन के हत्थे चढ़ गए। साहिवाल में जिले इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर की सरबराही में महकमा सेहत की जानिब से तहसील अलीपुर के गांव बस्तियों में हर एक फर्द को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। ओकाड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ओकाड़ा के ठेकेदारों का साबिका पेमेंट न किए जाने के खिलाफ एहतजाज। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वेंचिंग के 50 लाख के टेंडर्स का बाइकॉट कर दिया। खानेवाल अलकलम मीडिया ग्रुप के वफद की मरकजी सदर पाक इंटरनेशनल मीडिया काउंसिल जावेद फखरी से मुलाकात। मुख्तलिफ सहाफती व समाजी मौजूदात पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में सुभान इलेक्ट्रिक स्टोर मशीन स्टॉप ठंडा पानी लहतरा रोड का इफ्तिताह। चेयरमैन VOH राजा मोहम्मद हारून DGS पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद रीजन ने कर दिया। इंडो आदम मीडिया क्लब से 24 घंटों में 2 चोरियां। पुलिस जराइम रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने की वजह से पुलिस ने जराइम पेशा लोगों से ध्यान हटा दिया। सहाफियों का एहतजाज धरना SHO को हटाने का मुतालबा। मखदूम हाउस और PP जिले सदर में इख्तलाफात ने शिद्दत इख्तियार कर ली। जिले सदर के मखदूम हाउस पर इल्जामात के बाद सरवरी जमात भी मैदान में आ गई। जिले सदर पर संगीन इल्जामात। कमीशन के तहत मोरखा 12 सितंबर को कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से पुलिस का फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, मुहाफिज स्क्वाड और ट्रैफिक पुलिस ने भी हिस्सा लिया। शोरकोट कैंट में कंटोनमेंट बोर्ड के 12 सितंबर को होने वाले इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान भर की तरह तहसील शोरकोट में भी रेस्क्यू 1122 शोरकोट ने 7 सितंबर तक 11 सितंबर वर्ल्ड फर्स्ट एड वीक के तौर पर मनाया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से, जहां ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुअज्जम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर की हदूद चक 228 EB में मदरसे के कारी का 8 साल मासूम यतीम बच्चे पर तशद्दुद के बाद बच्चा फरार हो गया। सोशल मीडिया पर बच्ची के गुमशुदगी के ऐलानात करवाए गए तो 7 दिन के बाद मांगा मंडी लाहौर के इलाके से बच्चे को बाजियाब करवाया गया। बच्चे के चचा मोहम्मद बूटा और बच्चे की बेवा वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया कि मुदर्रिस बच्चे से चोरी मनवाने के लिए मुसलसल तशद्दुद करता रहा और ना मानने की सूरत में बच्चे और उसकी वालदा को थाने में बंद करवाने की धमकियां देता रहा। उनका कहना था कि गांव के मदरसे का मुदर्रिस कारी मोहम्मद रिहान अक्सर औकात बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाता रहता है। मुतअद्दिद बार बच्चे की शिकायत पर मुदर्रिस को बच्चे पर तशद्दुद करने से मना किया। बच्चे के चचा मोहम्मद बूटा और बेवा वालदा ने RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी से कारी के खिलाफ कार्रवाई करने और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां पर बेलोस खिदमत खल का जज्बा दिल में लिए रेस्क्यू 1122 के नौजवान अपने फ़राइज़ मनसबी को बखूबी अंजाम देने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। ऐसा ही एक वाकया पेश आया। मुल्तान चौक कुम्हारा वाला पीरा गाइब रोड के आगाज़ पर रोड के दरमियान में गहरे गड्ढे में तेज़ रफ्तार एक मोटरसाइकिल सवार खातून समेत गिर गए।
इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर फंसे हुए लोगों को निकाला। शहरियों ने रेस्क्यू टीमों की बरवक्त कार्रवाई करने पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। तरिंडा मोहम्मद पनाह सद्दू वारिद और रहमान वाला खूह तक बनने वाला रोड मुकम्मल ना हो सका। अहले इलाकों को शदीद दुश्वारी का सामना है। अहले इलाका ने ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज किया। मुस्लिम लीग नून के दौरे इक्तदार में वजीर आला पंजाब तरक्याती प्रोग्राम 2017-18 प्रोजेक्ट रहीम यार खान ADP के तहत बनने वाला मनसूबा सद्दू वारिद और रहमान वाला खूह तक 1.14 किलोमीटर रोड अरसा 4 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। साबिक MPA मखदूम मसूद आलम ने खसूसी ग्रांट 14 मिलियन की रकम से शुरू तो करवाई, जो बाद में ठेकेदार सिर्फ पत्थर डालकर मनसूबा अधूरा छोड़कर फरार हो गया। रोड मुकम्मल ना होने की वजह से टूट फूट का शिकार है, जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। अहले इलाका का कहना है कि हमारी कीमती गाड़ियां तबाह हो रही हैं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए MNA मखदूम मुबीन अहमद और MPA गजनफर अली खान लंगाह से अपील की है कि उनकी हालत पर रहम किया जाए और रोड को जल्द बनवा कर हादसा से हमें बचाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी पाक पतन ने मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मिस्र सेहत जाली दूध बनाने वाले केमिकल पाउडर के 20 थैले बरामद कर लिए। पंजाब फूड अथॉरिटी पाक पतन ने निजी कार्गो सेंटर पर छापा मारकर भारी मकदार में जाली और मिस्र सेहत दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल को बरामद कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी पाक पतन के हुकाम के मुताबिक इस मिस्र सेहत केमिकल से भारी मकदार में दूध तैयार करके दूसरे शहरों में सप्लाई किया जाना था। सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद दही के इलाके टंडो सईद खान में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से 8 यूनिट का इफ्तिताह और हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें ज़िला हैदराबाद के जनरल DO सेक्रेटरी एडवोकेट रहमान रजा ने हल्फ बर्दारी करवाई। इस मौके पर ज़िले रहनुमा अल्लामा इमरान अली जाफरी ने यूनिट्स के लोगों से खिताब किया, जबकि ज़िले डेप्टी सेक्रेटरी सैयद सफदर अब्बास आबदी, सेक्रेटरी रवाबित गुलाम नबी मुगल, सेक्रेटरी तंजीम सैयद वकार जैदी, ऑफिस सेक्रेटरी आसिफ अली भुट्टो, मिस्टर सज्जाद हाजी नूर उस्ताद हजार खान, हाजा नूज वार वलदार अली छलगरी भी मौजूद थे। रहनुमा जवार दिलदार छलगरी का कहना था कि जल्द ही मजीद यूनिट्स का इफ्तिताह किया जाए। सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ के मुताबिक SSP हैदराबाद साजिद अमीर सद्दुजई ने अपने ऑफिस में ASP कैंट अहमद चौधरी और ASP CT अलीना राजपर के हमरा व्हीकल क्राइम के हवाले से SHOs के साथ मीटिंग की। मीटिंग से खिताब करते हुए SSP हैदराबाद ने तमाम SHOs जिनकी हदूद में मोटरसाइकिल और कार चोरी या छुपने के वारदात पेश आई, उन तमाम से वारदात में मुलव्वस मुल्तिमान की गिरफ्तारी से मुतालिक की जाने वाली पेशरफ के बारे में तफसीली ब्रीफिंग ली। उन्होंने कहा कि अपनी कारकर्दगी को मुअसर बनाएं, ऐसी बेहतर और मुअसर हिकमत अमली बनाएं जिससे जराइम के खात्मे में मदद मिले, तमाम मुल्तिमान की गिरफ्तारी और गाड़ियों की बरामदगी को यकीनी बनाया जाए। वली अहद साबिक रियासत बहावलपुर नवाब बहावल अब्बास खान अब्बासी ने रसूल बख्श खान अब्बासी और शकील अहमद खान अब्बासी के वालिद मरहूम की ताजियत और दुआए मगफिरत की। इस मौका पर MA खालिक भट्टी चेयरमैन तंदीम सादिक दोस्त अल्लाहबाद ने उन्हें अल्लाहबाद आने की दावत दी और उन्हें बताया कि अल्लाहबाद गुज़िश्ता 30 बरसों से साबिक रियासत बहावलपुर के हुक्मरान नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की हर साल सालगिरह और बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। इस मौका पर राय हाजी अल्लाह दिता साबिक चेयरमैन अब्दुल जमील खान अब्बासी, राय मोहम्मद इब्राहिम, राय अमजद अली, शाहिद अब्बासी, चौधरी अकील, नज़ीर कल्लो, इमरान मंडी बहाउद्दीन अहाता कचहरी फालिया के मेन गेट पर मुकदमा कत्ल की तारीख पेशी पर आए मुसल्लह मुखालिफीन की अंधाधुंध फायरिंग से 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। DPO साजिद हुसैन खोखर मौका पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि वाकया कत्ल की दरीना दुश्मनी का नतीजा है।